Oh,
भक्ताय तद्भक्ताय नमो नम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जताजू को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग का बहुत बहुत अच्छा दिन है क्योंकि श्रीमद् भागवत में बताया तुल्याम लभनापि न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य वर्तनाम किंतासस्य। एक समय चतुसन पृथु महाराज के घर में आए। बोले पृथु महाराज कौन है? बोले भगवान की सत्यावेश बता रहे हैं कि भगवान क्या बता रहे। लेकिन ये चतुसन जब आए, ये चतुसन कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, बड़े भगवान के भक्त है। जब इनके घर में आए तब श्री पृथु महाराज, हमें पता नहीं साधु संघ का क्या महिमा है, ठाकुर स्वयं साधु संघ की महिमा कह रहे हैं। बोले तुलया मल्लवे नापी न स्वर्ग न अपुनर्भव, मतलब है अगर जीवन में एक लव साधु संघ हो। बोले एक लव कितना? बोले एक सेकंड को 11 भाग कर लो, 11 भाग का जो एकवां भाग को एक लव कहते हैं, इतना कम समय, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी
और आधी से पुण्य आज तुलसी सतसंगत में ना से कोटि अपराध है। अगर एक लब अगर जीवन में साधु संग हो कद उसमें इतने आनंद इतने लाभ उसमें कद जिसको साथ में ये स्वर्ग का सुख भी बराबर नहीं कर सकते। बोले स्वर्ग में कितना सुख है, बोले यहाँ पर जितने आनंद है ना उससे सौ गुण ज्यादा आनंद स्वर्ग में, बोले मोहलोक में उससे सौ गुण, जनलोक में उससे सौ गुण, तपलोक में उससे सौ गुण और सत्यलोक में उससे सौ गुण। कहते उसको ऊपर में ब्रह्मलोक है, बोले ब्रह्मलोक में इतने आनंद जो सोच भी नहीं सकते हो, इतने आनंद ब्रह्मलोक में। लेकिन श्री गोस्वामी जी कहते हैं ये सारे आनंद को एकत्रित कर लो एक तराजू का तरफ में, साधु संग में जो आनंद है तराजू के एक तरफ में कर लो। इसलिए जिसको हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्रेमानंद चे आनंद सिंधु, बोले कृष्ण के प्रेम रूपी आनंद में जो आनंद समुद्र है, बोले कोटि ब्रह्मानंद नय तार एक बिंदु, बोले करोड़ों ब्रह्मानंद को मिला करके भी भक्ति रस आनंद को सामने बराबर नहीं कर सकते। इतने आनंद साधु संग और प्रभु का कीर्तन है। अभी कीर्तन कथा कर रहे थे, नाच रहे, पागल हो रहे थे, पूरा दुनिया की कोई हुदूद नहीं था, दुनिया में क्या हो रहे नहीं हो रहे है। इसलिए कहते इतने लाभ है साधु संघ में, इतने लाभ। इसलिए कहते जीवन में साधु संघ कब मिलता है, बोले भवा अपबर भ्रमित जता जनस्य तहीर अच्युत सत्समानो। साधु संघ कब मिलता है, कहता साधु संघ तभी मिलेगा जब हमारे जीवन का सारे दुख जब समाप्त होने का आता है और हमें मातृगर्भ में आना नहीं पड़ेगा, जगत का जन्म मृत्यु के चक्कर में भी भटकना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी अभी अपना शरण में हमें स्थान देने वाले, ये लोग तहीर अच्युत सत समागम। जीवन में जो साधु संग होता है पर हमें मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, ये दुनिया क्या, फिर इनको कौन है, फिर कहाँ जाएंगे है, इसी विषय पर हमें सारे ज्ञान होता है। जीव कौन है, भगवान कौन है, माया कौन है, ये दुनिया कौन है, इस सब विषय पर जिनको पता चलता है। तो पता चलता है जब जीव को ये पता चलता है जीव रे स्वरूप है कृष्ण नित्यता, साधु संघ में हमें ये पता चल जाता है हम कौन है, भगवान के नित्य सेवक है। लेकिन दुख का कारण क्या, उनको भूलने का वजह से दुख है, केवल यही दुख है। फिर जब प्रभु के शरण में आ जाए तो आनंद ही आनंद है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। हमारे प्रभुपाद जी जब कहीं कथा सुनाते थे केवल ये दो लाइन को व्याख्या करते थे, समझो ये दो लाइन में सारा विश्व ब्रह्मांड की दो लाइन में, सब दुनिया इसी दो लाइन में है। ये भगवान खुद कह रहे हैं है? क्या कह रहे हैं, बोले जीवन में कब सदगुरु कब साधु का दर्शन मिलता है, बोले ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी। ब्रह्मांड भ्रमित मतलब क्या है, कदम अनादि काल से हम भगवान को भूले बैठे हैं, भूल करके तो महाप्रभु के रजो भी समसंख्यता पार्थिव लिया जाता हुआ, जैसे पृथ्वी का धूल कण को कोई नहीं गिन सकते हैं, बोले जीव को भी वही से कोई नहीं गिन सकता। इतने जगत में जीव, एक ग्लास पानी लो इसमें इतने बैक्टेरिया है, इतने बैक्टेरिया पृथ्वी में इतने इंसान भी नहीं, इतना इंसान भी नहीं होगा पृथ्वी में, इतने बैक्टीरिया उसके अंदर में, तो उसका जीव हिसाब से जीव कितना कुछ भी नहीं जगत में इतना जीव। इसलिए महाप्रभु कहते हैं उसी तरह किसी सौभाग्यवान को ये मानव शरीर मिलता है, जिसको भगवान राम कहते हैं देत ईस पिनो हेतु सनेह। अगर कोई बोले अरे हमने कोई बढ़िया कर्म किया था ना इसलिए भगवान ने हमें मानव शरीर दिया, भगवान कहते त्वरित कोई कर्म से मानव शरीर नहीं मिला, कोई कर्म से नहीं मिला, बोले देत ईस बिनो हेतु सनेही, बिना कारण के स्नेह पूर्वक कैसे तुमको मिल गया बाई चांस, समझो तुम्हारी कोई कर्म से नहीं मिला, कैसे अचानक तुमको ठाकुर ने दे दिया। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम, तत् मानव शरीर दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। इसलिए सुदुर्लभ सु गोस्वामी जी कहते हैं है? गोस्वामी जी कहते हैं
क्या फिर याद याद नहीं आ रहे हैं? उसमें भगवान राम क्या कहते हैं, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, हैं? देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर दुर्लभ है, उसमें ये मानव शरीर दुर्लभ है, फिर ये मानव शरीर में फिर क्या दुर्लभ है? ऐसे कुछ लोग है जो जंगल जानवर, अब तक अभी भी जंगल में एक लोग है नंगे फंगे रहते हैं, उनको कोई सभ्यता नहीं, बड़े सौभाग्यवान हो तो सभ्यता में आते हैं, कभी जो सभ्यता में आते हैं उसमें ऐसे कुछ लोग केवल वेद मुंह में मानते हैं, अपना जीवन में कोई मानना भाना नहीं, जो मुंह में मानने वाले में करोड़ों कर्म में कोई व्यक्ति कर्म में विश्वास है, करोड़ों करोड़ों कर्म में विश्वास करने वाले किसको ज्ञान में विश्वास, ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक सुदुर्लभ कृष्ण भक्त में आता है। इसलिए आप लोग जो कृष्ण भक्ति में आए ना, जो कृष्ण भक्ति में आए हो तुम लोग, ये करोड़ों करोड़ों में जिसको कृष्ण कहते हैं सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि स्वभिमामुने, कहते सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा, वो जो जीव है जो साधु संघ के संस्पर्श आत्मे सुदुर्लभ है प्रसाद आत्मा कोटि स्वभि, वो करोड़ों करोड़ में कोई एक विरल व्यक्ति है जो कि जीवन में उसको ये साधु संघ प्राप्त होता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ये ब्रह्मांड भ्रमिते, ये ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 मतलब कौन भाग्यवान जी, कोई विशेष सौभाग्यवान, बोले भैया वो विशेष सौभाग्यवान कौन है जो कि जिसको ये साधु संग मिला? तो प्रभुपाद कहते हैं जिनको पूर्व पूर्व जन्म में जिन्होंने भक्ति उन्मुख सुकृत किया है, सबको नहीं। हाँ देखो और एक चीज को समझो अच्छे तरह समझो, कहते एक पाप है एक पुण्य है और एक सुकृति, ये तीनों चीज में पार्थक्य समझो, नहीं तो संसार में भटकते रहो, अच्छे तरह से समझ लो, एक पाप है एक पुण्य है और एक सुकृति। कहते भैया पाप का फल क्या है? पाप किया मतलब वेद विरुद्ध धर्म पाप है, झूठ बोलना, बेईमानी करना, गंदा काम करना, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, कहते सब के सब पाप है, दूसरों को सताना, चोरी करना, गुंडागिरी करना है, ये सब के सब पाप है। बोले इसका फल क्या? बोले नरक जाओगे, बोले नरक जब खत्म होगा फिर यहीं पर आओगे। बोले पुण्य किसको कहते हैं? जैसे दुखी दरिद्र को कपड़ा लगा देना, दूसरों को मदद करना, स्कूल खोल देना, कॉलेज खोलना है, दूसरों को भलाई करना, ये पुण्य। बोले इसका फल क्या? बोले इसका फल है यहाँ तक भी तुम ब्रह्मलोक तक भी जा सकते हो, लेकिन जब फिर तुम्हारी पुण्य खय हो जाएगा ना फिर तुम यहीं पर आओगे, यही पर भ्रम बैठकोगे। लेकिन इससे और एक अलग व्यक्ति जिसका नाम सुकृति है, कहते जो पाप और पुण्य ये शरीर संबंधी, जैसे शरीर नष्ट हो जाएगी दोनों भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी जो तीसरी वस्तु जिसको सुकृति कहते हैं, बोले भैया ये सुकृति क्या जो कभी नष्ट नहीं होता? बोले ये आत्मा संबंधी, ये शरीर संबंधी नहीं, वो आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लो, नहीं तो यहाँ भटक गए, समझ रहे कि नहीं ठीक से? हाँ, ये कहते आत्म संबंधी। बोले आत्म संबंधी क्या है? जैसे जिस चीज भगवान से जुड़ा हुआ हो और वैष्णव से जुड़ा हुआ हो, भक्ति से जुड़ा हुआ उसको सुकृति कहते हैं, जैसे यहाँ बैठ कर कथा कर रहे कीर्तन कर रहे ये सुकृति है, तुलसी में पानी देते हो, तुलसी परिक्रमा करते हो, किसी साधु को कोई चीज दान दे दिया है, कभी ये केवल आत्म संबंधी, धाम में गए धाम दर्शन किया भगवान का दर्शन किया, कभी ये शरीर संबंधी है नहीं आत्मा संबंधी, भगवान और जीवात्मा संबंधी है, ये डायरेक्ट भगवान को साथ में ये जुड़ता है, है? वैष्णव सेवा ये डायरेक्ट प्रभु को साथ में ये चीज जुड़ रही है। जो भक्ति संबंध जो वस्तु है भगवान और संत और धाम भक्ति संबंध जो वस्तु, इसका क्या फल? ये कभी नष्ट नहीं होगा, ये कभी नष्ट नहीं होता, यही चीज केवल बढ़ते बढ़ते जाती है, जैसे भागवत कथा कर रहे हो कथा सुन रहे हो ये केवल संचित होता है, पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाएगी, लेकिन ये जो चीज ये कभी नष्ट नहीं होगी। बोले भैया इसका फल क्या है? उसका तो फल हो गया नरक जाओ फिर आओ यहीं पर, उसका फल स्वर्ग जाओ फिर यहीं पर आओ, लेकिन इसका फल क्या? बोले इसका फल है महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, कोई विशेष जो विरल व्यक्ति है जिनकी ये भक्ति उन्मुख हो, जिस पर भक्ति बढ़े, ये जो सुकृति इसका फल किया? बोले इसका फल साधु संघ है, इसका जो सबसे श्रेष्ठ फल है ना भगवान को पता है, वो तुम्हें लेकर के साधु संघ किसी शुद्ध साधु से मिला देंगे,
इसलिए जब किसी शुद्ध साधु से मिल गया बस हमारे काम बन गया, हमारे काम बन गया है। इसलिए शास्त्र कहता है सिद्धि भगवती बात देती संशय और चुत से बिना। भैया डायरेक्ट प्रभु की भक्ति करने पर भगवान कहते तो मिलोगे नहीं मिलोगे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों के साथ में जो मिल जाता है समझना बस निसंशय जातकर उसका कोई संशय नहीं, वो मेरे को जरूर प्राप्त करेगा। इसलिए जब हनुमान जी से जब विभीषण से मुलाकात हुई, जब विभीषण को पता चला ये हनुमान जी कौन है, राम की शुद्ध भक्त है, वो क्या बोले, आज मोहे भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुबीर मोहे अनुग्रह कीनी तो मोहि तरस हेठ। लगता है मेरे ऊपर में आज प्रभु राम का कोई कृपा है जो कि भगवान के सबसे प्यारे हनुमान जी का दर्शन हो। इसलिए भागवत में कहते तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, बोले भगवत दर्शन सुलभ है, जाओ ठाकुर का दर्शन कर लो प्रणाम करके चले जाओ, ठाकुर थोड़ी हमें कुछ बोलेंगे, हमें ठाकुर कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हमें बोलेगा तो कौन बोलेगा, साधु बोलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं जब मेरे किसी शुद्ध साधु से दर्शन हो गया ना, ये समझो मेरी पूर्ण कृपा हो गई। इसलिए जिस समय वसुदेव महाराज विश्व शांति यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के बीच में नारद आए तो यज्ञ बंद करवा दिया, बोले यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, यज्ञ का फल तो साक्षात आ गए, नारद जी रूप में आ गए, नारद जी आ गए ना, बोले सब यज्ञ पूरा हो गया, यज्ञ हमारे है और यज्ञ पूरी हो गई। इसलिए जब ध्रुव जी को भगवान दर्शन दिए, देखो भगवत दर्शन बात में भी ठाकुर का दर्शन हो गई, ठाकुर दर्शन दे दिए, जब ठाकुर जी मांगते हैं भैया क्या चाहिए, बोले प्रभु आपका संतों का संग चाहिए, बोले मैं तो मिल गया तेरे को, पर ये साधु सब क्यों मांगते हो, बोले ठाकुर जी आप क्या थोड़ी अपनी कथा सुनाओगे, आप क्या थोड़ी अपनी कथा सुनाओगे, अब कथा तो आपको भक्त लोग सुनाएंगे ना, आज जो आप मिले हैं ना वो नारद कृपा से मिले, नारद जी कृपा से वाल्मीकि को राम मिले। इसलिए आप देखोगे जिन्हीं को प्रभु प्राप्ति हुआ ना, जब तक उसको पहले कोई साधु नहीं मिले होंगे, भगवान किसी को भी अब तक किसी को नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिले, अगर ठाकुर तभी मिले जब कोई साधु की कृपा हुई। इसलिए भगवान कहते हैं वही मेरी पूर्ण कृपा है अगर मेरे किसी भक्तों का दर्शन हो गया तुम्हारी, यही मेरी कृपा। भगवान कहते हैं मैं जब किसी ऊपर कृपा करता हूँ ना, उसको किसी तरह से घुमा फिरा करके मेरे भक्तों के पास में ले जाता हूँ, बस ठाकुर संतों के पास छोड़ दिया, भगवान का तो मेरा सारा काम हो गया, हाँ? तो सारे काम हो गया है, क्योंकि ठाकुर जी को पता है ठाकुर तो बोलेगा नहीं मेरे सेवा कर, ठाकुर थोड़ी बोलेगी मेरी आदत उतार मेरी सेवा कर मेरे भोग लगा, ठाकुर थोड़ी बोलेगी, वो तो संत ही बोलेंगे ना। इसलिए भगवान कहते भैया संतों के ऊपर में मैं इतने खुश रहता हूँ, साधु ऊपर में इतना खुश रहता हूँ, भगवान खुद कहते हैं अगर कोई मेरे भक्त का विरोध करे, भगवान कहते अगर ये मेरी हाथ है, अगर ये हाथ भी कभी मेरे संतों का विरोध करेगा मैं अपना हाथ को काट दूंगा, भगवान ये कहते हैं अगर मेरे हाथ भी कभी संतों का विरोध किया तो अपना हाथ को काट दूंगा, मतलब भगवान इतने बड़ी बात कहते हैं, मतलब अपना हाथ को भी मैं कभी भी संतों विरोध में कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं साधव हृदय मुझम साधु नाम हृदय तुम, साधु मेरे हृदय है, मैं साधु का हृदय में बैठता हूँ, साधु मेरे हृदय में बैठते हैं, है? इसलिए यहाँ पर कहते कौन भाग्यवान जी है, कहते भैया वो कौन भाग्यवान, वो कौन है जिनको पूर्व पूर्व जन्म में करोड़ों करोड़ों जन्म की जिनकी सुकृति उदय हुआ है वही जीवन में साधु संग उसको प्राप्त होता है, बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, फिर सदगुरु का शरण आश्रय ग्रहण करता है, फिर गुरु जी से मंत्र दिखा लेकर भजन करता है, फिर यहाँ पर फिर बोले गुरु कृष्ण प्रसादे, बोले किसकी प्रसाद, बोले गुरु और कृष्ण प्रसाद से उनको भक्ति रूपी लता मिलता है, उदाहरण दिया भक्ति एक लता है, लेकिन जब तक बीज नहीं होगा लता थोड़ी होगी, तब वो बीज कहाँ से मिलेगी, वो बीज कहाँ से आएगी, बोले बीज संतों की कृपा से ही, वो जो मंत्र प्रदान करते जो श्रद्धा हृदय में उदय करते हैं भक्ति की श्रद्धा, वही श्रद्धा ही ये बीज है, हाँ वही बीज है, हाँ? जो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुसरणम् अनुवर्तमानम्।
हे भक्ति का बीज है जिसमें कोई अभिलाषा नहीं हो, शुद्ध रूप में जब हम भगवान की भक्ति करिए बीज है। यदि किसकी कृपा से मिलती है, बोले गुरुदेव का हमें मंत्र दिया, कृष्ण नाम हर की माया, गुरु कृष्ण प्रसाद, गुरु और कृष्ण प्रसाद में मिलते, फिर कृष्ण का नाम क्यों आया? भगवान कहते हैं भैया जैसे ध्रुव जी ने भजन किया भगवान को, लेकिन गुरु भेजा किसी ने, ठाकुर ने भेजा। लक्ष्मी जी बोले प्रभु दर्शन दो ना, बोले गुरु ने किया, मगर गुरु के दर्शन दे ही नहीं सकता, बोले आप इच्छा करना पर हो जाएगा। फिर नारद जी का स्मरण किया, फिर भगवान नारद जी को भेजे, जाओ उसको मंत्र देकर जाओ, मेरे नाम देकर जाओ, उसको मंत्र देकर जाओ, फिर मैं बाद में जाऊंगा तो बाद में मैं दर्शन दूंगा, पहले तेरा दर्शन है, उसके बाद मेरा दर्शन है। इसलिए जिस समय नारद जी आए ना, नारद जी ठाकुर बोले ऐसे नहीं करना, थोड़ा परीक्षा करके देना। नारद जी आए, बोले क्या कर रहे हो, ये कोई भजन करने का तेरे उम्र है, अरे 5 साल उम्र के खेलो कूदो है, आराम करो, तेरे पिताजी तेरे को ढूंढ रहे, पागल हो गए ढूंढ रहे, घर में चले जा, घर में चले जा। जब इतना बात बोले, इतने में ध्रुव जी कहते प्रभु आप कौन हो, बोले नारद हो, बोले लगता है आप कोई डुप्लीकेट नारद हो। क्योंकि आपने सुना नारद जी सबको भक्ति के उपदेश देते हैं, आप कह रहे हो घर में वापस चले जाओ, आप घर में वापस चले जाओ। हाँ देखो ध्रुव ने बहुत अच्छी बात बताई, बोले अगर आप सचमुच से नारद हो, मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया प्रभु मिलेंगे ही, क्योंकि मैं भजन करने के लिए निकला हूँ, भजन करने के लिए निकला हूँ। नारद जी भगवान की परम भक्त है, नर मतलब होता है ज्ञान, द मतलब ज्ञान देते हैं, नर मतलब होता है रस, रस नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब खंडन थी, सारे आसक्ति को जो खंडन करने वाले हैं, और भगवान के चरण में जो भक्ति देने वाले भक्त है। इसलिए अगर आप असली नारद है ना, मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया भगवान मेरे को मिल जाएंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है आराधना नम सर्वेशां विष्णु आराधना परम तस्मात परतरम देदी तबियानम समर्चनम, कहते सारे आराधना में सर्वश्रेष्ठ विष्णु आराधना है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ आराधना है उनके भक्तों को जो आराधना करते हैं, उनके भक्तों को जो सेवा आराधना करते हैं। इसलिए अगर आप नारद है ना, मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया ठाकुर मिल ही जाएंगे, क्योंकि भगवान का कृपा साधु दर्शन नहीं होता, साधु के दर्शन बगैर भगवान दर्शन नहीं होता है। इसलिए मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया, आप केवल मेरे को मंत्र प्रदान करो और रास्ता दिखाओ मेरे को क्या करना, आप करके आप कह रहे हो ना इतना बचपन में क्या करोगे, केवल मेरे को मंत्र दो, अब देख लो मैं क्या करता हूँ। मैं क्षत्रिय का बच्चा हूँ, साधारण घर का बच्चा नहीं, क्षत्रियो का बच्चा हूँ, जो ठान लेता हूँ ना मैं करके रहता हूँ, इसलिए तेरे सर पे बैठा हूँ कुछ करके छोड़ूंगा है, इसलिए क्या कुछ करके दिखाऊंगा, केवल आप मंत्र दे दो। बोले भैया चले ऐसे होनी चाहिए, चले ऐसे होनी चाहिए, चले ऐसे कच्चा चले में काम नहीं चलता है, गुरु जी ने माला दे दिया बस माला लटका कर काम लग गया, माला पला से कोई मतलब चले थोड़ी ऐसे है। इसलिए रोज क्या करनी चाहिए, कहते गुरु जी ने जो मंत्र दिया है ये हमारे हृदय में बीज को बोए, बीज बोए, अभी अभी हम एक गार्डनर होंगे, माली माली का क्या काम, रोज रोज उसमें पानी दे, अगर पानी नहीं देगा तो एक दिन सूख जाए। बोले पानी किया, बोले सत्संग, पानी सत्संग, सत्संग करनी चाहिए हा? इसलिए और पानी मतलब जो गुरु जी ने हरिनाम दिया, रोज माला करनी चाहिए। गुरु जी ने जब हमें माला दिया, माला नहीं गुरु जी कृष्ण हमें दिया है, भगवान हमें दिया है, माला नहीं दिया साक्षात ठाकुर जी को हमें दिया है। एक दिन अगर हमने माला नहीं जप किया, मतलब है आज हमने ठाकुर जी को पूरा भूखे रख दिया। जैसे एक दिन अगर हम खाना नहीं खाए, स्नान नहीं करे, कपड़ा नहीं बदले, अच्छा थोड़ी लगेगा है। इसलिए गुरुदेव जब माला दिए, भगवान दिए, नियम है रोज नियम करके कुछ माला जप करो, कुछ माला जप करो, और स्नान करके सबसे पहले तिलक लगाओ, ठीक है ना, तिलक जरूर लगानी चाहिए, तिलक के बगैर कोई शुभ कर्म नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण घर में पूजा कराने आएगा, देखना जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा ना कोई भी पूजा नहीं करवाएगा, क्योंकि तिलक के बगैर पूजा तुम्हारी निष्फल है, निष्फल तुम्हारी तिलक। और तिलक की इतने महत्व है गोपियों की चरण धूलि, कहते जो व्यक्ति तिलक दर्शन कर लिया उसको कृष्ण दर्शन हो गया, भगवत दर्शन हो जाता है। और जिसके शरीर में तिलक है, पुराण कहता है उसके शरीर में गया, गंगा, प्रभा, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी,
उसको शरीर में सरस्वती दुर्गा पार्वती सबके सब उसको शरीर में निवास हो जाता है। त्रिलोक की बड़ी महत्व है, रक्षा कवच का काम करता है। जैसे कर्ण का शरीर में कवच रहता था, जब तक कवच रहेगा उसको कोई मार नहीं सकता। अब तिलक लगा कर जाओ भगवान, अब भागवत में कथा आती है, जो घर में पुतना आ गई ना भैया जो सता कृष्ण को तिलक लगाई, क्या तिलक लगा रही थी, मेरे लालाट में ललाट में कैसे उदय रक्षा करी, उधर पर नारायण बख्य माधव घट गोभी तो भगवान को देखना, भगवान को देखना तिलक, कृष्ण का तिलक, राम को देखो तिलक है, नारायण को देखा तिलक, हनुमान का तिलक, कोई भी आप देवता को देखो तिलक के बगैर, कोई देवता भी तिलक के बगैर नहीं रहते। जैसे माता है स्नान करने के बाद साथ साथ सिंदूर मांग पड़ती, उसके बाद में पति को सामने जाते हैं, क्यों अमंगल है। उसी तरह जब ठाकुर के पास में आते हैं ना, जैसे एक पति है जिंदा है, पत्नी अगर विधवा के रूप धारण करके पति को सामने आ जाए, पति थोड़ी राजी होगी, नाराज हो जाएगी, बोले जिंदा रहते रहते तुम मेरे को मार डाली, तुमने मेरे को मार दिया जिंदा रहते रहते। इसलिए तिलक जरूर लगानी चाहिए, ठीक है ना, तिलक और गले में कट्टी कब नहीं उतरनी चाहिए। गुरु जी कहते थे जब गुरु जी सामने एक बार कट्टी लिया, अगर कट्टी उतर गया पानी भी मत पियो, गुरु जी कहते थे, क्यों, हम जो कुछ पीते हैं ना, देखो गले में कट्टी रहता है, उसको टच करते हुए अंदर जाता है, जैसे कोई गोली बोलते हैं कट्टे को टच करते हुए बाहर निकलता है। इसलिए बोले गले से अगर कट्टी उतर गया, जब तक दो बार गले में कट्टी नहीं पहनो तब तक पानी बंद किया करो, पहले कट्टी पहनो उसके बाद में पानी है। इसलिए अगर बगर कट्टी का अगर हठात शरीर छूट गया सदन नरक जाओगे, तो कोई रोक नहीं सकता, नरक जाएगा। लेकिन गले में अगर कट्टी रह गया तुम्हारी, कोई भी जमदूत फटकेगा नहीं। इसलिए जमदूत को जब महाराज कह रहे, देखो जो भक्ति नहीं करते ना मेरे पास में ले आना, बोले पता कैसे चलेगा कुल करता है कि नहीं करता, बोले दो तरह के कुत्ते, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है घर के कुत्ते, और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, अब पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को छोड़ता नहीं। इसलिए हमें फालतू नहीं, हमें ठाकुर जी की फालतू बनना, फालतू नहीं बननी है। अगर हठात गले में कंठी नहीं मर गया ना, एकदम सीधा ये बैतरणी नदी पार करना, टाटी पेशा खून का पी का नदी, भगवान खुद कहते कोड़े मार मार कर उनको पार कराएंगे, कोड़े मार मार करके। इसको गौरव पुराण में आता है, तेरह दिन के बाद में हम शुद्धि किया, क्यों बोलते हैं, क्योंकि नदी पार करने के लिए उसको तेरह दिन लग जाती है, तेरह दिन लगता है, इसलिए तेरह दिन के बाद में हम शुद्धि किया करते हैं। इसलिए उसमें सारी चीज लिखा हुआ है। इसलिए गले से कट्टी कभी भी नहीं उतरनी चाहिए, कट्टी कभी नहीं उतरनी चाहिए कट्टी, ठीक है ना। कट्टी पहनना, माला रोज कुछ नियमित करके, कुछ माला जब के वगैरह खाना नहीं खानी चाहिए, पहले भजन उसके बाद में भोजन, पहले भजन उसके बाद में भोजन, कुछ माला करके खाओ, फिर दिन में कुछ कुछ फिक्स नाम रखो, जितने माला हम करेंगे जो आसानी से कर सकते उसको कोशिश करो, उसको पूरी करने के लिए उसको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कभी ये पानी, अगर ये पानी दोगे फिर तो पनपना तो होगी, फिर लता बढ़ी, पर पानी नहीं तो बढ़ जाए। जैसे गमला में कोई पौधा है, कब तक जिंदा रहेगा, जब तक पानी नहीं दोगे, पानी दोगे जिंदा, पानी नहीं दिया तो खत्म। इसलिए भगवान कहते हैं श्रवण कीर्तन जले करे सचन, श्रवण कीर्तन रूपाणी उसको सचन करनी चाहिए, फिर उल्लता बढ़ते 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 प्रत्येक ठाकुर का चरण में पहुंच जाएगा, और बड़े सुंदर सुंदर फल होगा, जिसमें छिलका भी नहीं होगा, जिसमें गुठली भी नहीं होगा, फिर बैठ कर चढ़ा चढ़ खाओ, बैठ बैठ कर खाओ फल को, प्रेम फल, ठीक है ना। हाँ फल को पियेंगे, कानों से पियेंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राम बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Yeah.
राधा मुकुंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय श्री भक्त श्री